वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एज यू नो, हम लोग क्लास 11th का एनिमल टिश्यूज चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें से मैं आप लोगों को एपिथेलियम वाला पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो टिश्यू की स्टार्टिंग करी थी, वो थे आपके कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज में भी डिफरेंट टाइप्स थे, पूरी टेबल मैंने आप लोगों को बनवाई थी। आई होप आप लोगों ने अच्छे से बनाई होगी और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था आपका एरियोलर टिश्यू, और जो नेक्स्ट है आपका वो है एडिपोज टिश्यू। एडिपो की मीनिंग की बात करें, द मीनिंग ऑफ एडिपो इज फैट। एडिपो का मतलब क्या होता है? फैट। सो इन दिस टिश्यू लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स आर प्रेजेंट। एडिपोसाइट्स आर द सेल्स। एज वी नो दैट एडिपोज इज अ टिश्यू। एडिपोज क्या है? टिश्यू है, तो ये किसी ना किसी सेल से तो मिलके बना होगा। तो जिस सेल से मिलके ये टिश्यू बना है, उस सेल्स को हम लोग बोलते हैं एडिपोसाइट्स सेल्स। सेल्स आर राउंडेड और पॉलीगोनल। राउंडेड होते हैं। न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टू पेरिफेरी बिकॉज़ फैट्स आर स्टोर्ड इन द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। और इसमें जो न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है वो शिफ्ट होती रहती है, लेफ्ट राइट अप डाउन, बिकॉज क्योंकि जब इसमें फैट स्टोर होता है तो वो ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है। सपोज करिए दिस वन इज द एडिपोसाइट टिश्यू, बीच में या न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सपोज कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, फैट्स की ड्रॉप्स आ गई। तो ये फैट्स की ड्रॉप्स क्या करेंगी, ये जो हमारा न्यूक्लियस है उसको कॉर्नर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं होता है, वो मूवमेंट करता रहता है। मैट्रिक्स इज लेस एंड फाइबर्स एंड ब्लड वेसल्स आर फ्यू इन नंबर। मैट्रिक्स लेस है, मैट्रिक्स का मतलब है जो लिक्विड पार्ट होता है, सेमी लिक्विड पार्ट, बहुत ही कम होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर्स और जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी नंबरिंग में कम होती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये पूरे सेल्स प्रेजेंट हैं एडिपोज टिश्यू के अंदर, एडिपोसाइट्स। यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर यहाँ है, इसके बाद यहाँ है, मतलब कहीं भी इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, मतलब कॉर्नर में कहीं ना कहीं इसका फिक्स पोजीशन नहीं है, चेंज होता रहता है। मैट्रिक्स यहाँ चारों तरफ बहुत ही कम प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस है। यहाँ पर फाइन व्हाइट फाइबर्स प्रेजेंट है। ये फ्लैट ग्लोब्यूल है, जिसे हम लोगों ने ड्रॉपलेट्स बोला था। यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, ये येलो फाइबर की प्रेजेंस होगी। यहाँ पे एडिपोज, ये तो एडिपोज सेल है जिसे हमने एडिपोसाइट्स का, एम्प्टी एडिपोज सेल। कुछ एडिपोसाइट्स सेल्स होते हैं जो कि एम्प्टी भी होते हैं, उनके अंदर जो हम लोगों के फैट ड्रॉपलेट्स हैं वो नहीं जा पाती है, मतलब थोड़े उस खाली रह जाते हैं, जरूरी नहीं है सारे ही फिल होंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। अब जो हमारे एडिपोज टिश्यू है वो भी टू टाइप्स के होते हैं। White adipose tissue appears opaque due to presence of large number of adipocytes. यहाँ पर there are two types of adipose tissue. एक होते हैं हमारे white adipose tissue, एक होते हैं हमारे brown adipose tissue. सबसे पहले white adipose tissues की बात करें तो ये हमारे opaque, opaque का मतलब समझते हैं ट्रांसपेरेंट एक तरीके से। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज कॉमनली सीन इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में जो आप लोगों के एडिपोज टिश्यू होते हैं वो हमारे वाइट एडिपोज टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे ब्राउन एडिपोज टिश्यू, इज रेडिश ब्राउन, थोड़े से रेडिश ब्राउन होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस ज्यादा होती है। फंक्शन, एडिपोज टिश्यू इज अ गुड इंसुलेटर एंड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट स्टोर्स फैट। गुड इंसुलेटर है, दैट मीन कि हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता, ना ही बाहर की हीट को अंदर आने देता है। सो गुड इंसुलेटर एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, और इस तरीके एक तरीके से ये भी है शॉक एब्जॉर्बर है, यानी कि जब भी हमें भी कोई झटका लगता है, शॉक लगता है, तो उसको एब्जॉर्ब कर जाता है, हमारी बॉडी पर कोई भी हार्म नहीं होने देता। एंड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, और बहुत अच्छी एनर्जी का सोर्स है, बिकॉज इट स्टोर्स फैट, एंड फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। द टिश्यू इज फाउंड इन सोल एंड पाम रीजन एज वेल इज अराउंड ऑर्गन्स लाइक किडनी। ये जो टिश्यू है हमारे सोल, पाम, पाम यानी कि जो हथेली होती है, सोल जो पैर का सोल होता है, इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं लाइक किडनी, उसके ऊपर भी ये फाउंड आउट होता है। एक्लिस टेंडन, एक्लिस टेंडन कनेक्ट्स द काफ मसल्स टू हील वोन। इसमें एक
टिश्यू होता है, एक्लिस टेंडन, ये क्या करता है, जो काफ मसल्स होते हैं उसको हमारे हील बोन से कनेक्ट करता है। पेन एट द बैक ऑफ एंकल और लोअर हाफ में सिग्नल अ प्रॉब्लम विद एन एक्लिस टेंडन। यहाँ पर हम लोग जो हमारे एंकल के बैक में जो पेन होता है, राइट, ये कहीं ना कहीं एक्लिस टेंडन की प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। एथलीट्स हु पार्टिसिपेट इन ट्रैक एंड फील्ड में फेस एक्लिस टेंडन इंजरी। कभी कभी जो ट्रैक और फील्ड पर जो एथलीट्स होते हैं अपने पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस टाइमिंग पर उन लोगों को एक्लिस टेंडन इंजरी भी हो जाती है। मोर टेंडन इंजरीज अकर नियर ज्वाइंट सच एज शोल्डर, एल्बो, नी एंड एंकल। और सबसे ज्यादा जो टेंडन इंजरीज होती है वो ज्यादा शोल्डर, एल्बो, नी और एंकल के पास होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो टिश्यू होता है एक्लिस टेंडन वाला, वो कहीं ना कहीं डैमेज या मेंटेन नहीं हो पाता। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज पर। हमने जो लास्ट पढ़े वो हम लोगों ने पढ़े लूज कनेक्टिव टिश्यूज थे, जिसमें हम लोगों ने एरियोलर और एडिपोज पढ़ा। उसके बाद हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं। इन दिस टिश्यू फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली अरेंज। इस टिश्यूज में जो फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट हैं वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स यहाँ पे, नेमली डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। ये भी आपके दो टाइप के हैं मेनली, एक है आपके डेंस रेगुलर और दूसरे हैं आपके डेंस इरेगुलर। इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज्ड इन पैटर्न मैनर। रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है एक पैटर्न को फॉलो करना, यही होता है रेगुलर का मतलब। दैट मीन ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कॉलेजन फाइबर्स का अरेंजमेंट पैरेलल होता है, सारे के कैसे होंगे, पैरेलल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। टू मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टिश्यू एंड टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब यहाँ पर दो टाइप के मेजर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो वो आपके टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं। टेंडन्स कनेक्ट स्केलेटल मसल्स टू बोन्स। हमारे बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स होती हैं और वो हमारे बोन से कनेक्टेड होती हैं, वो टेंडन्स के थ्रू होती हैं टू गिव टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। और ये इसका काम क्या होता है कि जो टेंडन्स हैं हमारे स्केलेटल मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो सके। टेंडन्स कंटेन्स बंडल्स ऑफ वाइट फाइबर। टेंडन्स के अंदर वाइट फाइबर्स का बंडल प्रेजेंट रहता है, लाइक एक्लिस टेंडन एंड हैमस्ट्रिंग टेंडन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना एक्लिस टेंडन वाला, तो ये हमारा एक्चुअली टेंडन का वाइट फाइबर्स का बंडल है, एक्लिस टेंडन एंड हैमस्ट्रिंग टेंडन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज वी कैन, दीज आर द टेंडन्स, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, राइट। इसके अंदर लिगामेंट्स प्रेजेंट है, पूरा ये एपिफाइजल बोन है, राइट। ये फ्लेक्सर मसल है, जब हम लोग अपने पैर को थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं तो फ्लेक्स होती है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है, ये एक्सटेंसर मसल है, राइट। सो दिस इज द लिग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लिगामेंट्स पर। लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिक और येलो फाइबर्स अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। यही हम लिगामेंट्स की बात करें तो ये लिगामेंट्स हमारे इलास्टिक और येलो फाइबर्स एक से बनी होती है और एक रेगुलर पैटर्न प्रेजेंट होता है। दीज फाइबर्स मेक लिगामेंट्स इलास्टिक। ये जो येलो फाइबर्स हैं इसकी वजह से जो लिगामेंट्स है बहुत ही इलास्टिक हो जाता है। दे आर प्रेजेंट एट जॉइंट्स, जॉइंट्स पे प्रेजेंट रहते हैं। दे प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ बोन्स, ये बोन्स को डिसलोकेट होने से प्रिवेंट करते हैं। डिसलोकेट होने का मतलब है कि हम अपने हैंड्स में, लेग्स में बहुत सारे मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से जो हमारी बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, हो सकता है कि भाई वो ऐसे ऐसे डिसलोकेट हो जाए, तो ये डिसलोकेट ना हो इसके लिए लिगामेंट्स की इसके चारों तरफ कवरिंग होती है। इन डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डरली मैनर। यहीं पर हम इसके दूसरे टाइप की इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर जो फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट का अरेंजमेंट होता है वो ऑर्डरली मैनर में नहीं होता। ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कैसे भी हो सकते हैं, कोई प्रॉपर इसका पर्टिकुलर अरेंजमेंट ही नहीं है। एंड दिस टिश्यू इज फाउंड इन डर्मिस ऑफ स्किन। और ये जो हमारे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैं, हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं, यानी कि स्किन का जो पूरा ये टिश्यूज प्रेजेंट है,
यहाँ पर फाउंड आउट होते। उसके बाद हमारे यहाँ पर थर्ड टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं, जो कि है आपके सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। पहले कौन से थे? लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड थे आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है आपके सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हार्ड मैट्रिक्स। इसमें हार्ड मैट्रिक्स की प्रेजेंस होती है, यानी कि जो सेमी लिक्विड है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कार्टिलेज एंड बोन। और ये हमारे दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, कार्टिलेज और बोन में। सबसे पहले हम कार्टिलेज पर आ जाते हैं। दिस इज अ प्लाइएबल येट टफ टिश्यू। ये प्लाइएबल के साथ साथ बहुत ही टफ टिश्यू होता है। इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेजियस फिशेस लाइक शार्क। यहाँ पर जो एंडोस्केलेटन होता है फिशेस का, लाइक शार्क का, तो उनका जो एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन मतलब अंदर बॉडी के अंदर जो बोन्स का स्केलेटन प्रेजेंट है, दैट इज एंडोस्केलेटन, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कार्टिलिनियस फिशेस। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वर्टिब्रेट एनिमल्स। इसके अलावा जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनमें ज्यादातर कार्टिलेज टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन कार्टिलेज एबिडेंट मैट्रिक्स इज डेलिमिटेड बाय अ शीथ ऑफ कोलेजिनस फाइबर्स कॉल्ड पेरिकोंड्रियम। अब ये जो कार्टिलेज है इसके अंदर मैट्रिक्स तो बहुत ज्यादा एबिडेंट, ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, एंड डेलिमिटेड बाय द शीथ ऑफ कोलेजन फाइबर्स। लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स की बहुत सारी शीथ, शीथ मतलब लेयर प्रेजेंट रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकोंड्रियम। मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉन्ड्रिन। इसीलिए इसके मैट्रिक्स जो सेमी सेमी थिक लिक्विड प्रेजेंट होगा उसे हम लोग कॉन्ड्रिन बोलते हैं। जस्ट बिलो द पेरिकॉन्ड्रियम इमेच्योर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट। यहीं पर ये जो पेरिकॉन्ड्रियम होते हैं कॉलेजन फाइबर्स, उसके जस्ट नीचे इमेच्योर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। वही ये जो कार्टिलेज टिश्यू है ये भी तो सेल से बन के आया है। तो जो सेल्स मेच्योर हो गए वो पेरिकॉन्ड्रियम फाइबर से ऊपर की साइड आ जाते हैं, जो सेल्स मेच्योर नहीं है वो पेरिकॉन्ड्रियम लेयर के नीचे इमेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट मेच्योर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू कॉन्ड्रोसाइट्स। धीरे धीरे करके ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स हैं, ये मेच्योर होते हैं एंड फाइनली मेच्योर कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स में क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं और ये सारे सेल्स मिलके हमारा एक टिश्यू बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज टिश्यू। कॉन्ड्रोसाइट्स आर सीन स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स एंड दे आर इनक्लोज्ड इन लैक्यूली। जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये पूरे मैट्रिक्स में स्कैटर्ड बिखरे हुए होते हैं एंड इनक्लोज्ड इन लैक्यूली। लैक्यूली का मतलब होता है कि एक पैकेट फॉर्म है, जैसे फर्स्ट पैकेट तो इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है लाइक दैट, राइट। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड इसमें पैकेट, तो यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट है। तो इन्हीं जो पैकेज की फॉर्म होती है इसी को हम लोग बोलते हैं लैक्यूले। ईच लैक्यूना कंटेन्स टू और एट कॉन्ड्रोसाइट्स। एक पूरे पैकेट में, एक लैक्यूना में 2 से 8 कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज एज एक्सप्लेन बिलो। मैट्रिक्स के बेसिस पर, यानी कि जो मैट्रिक्स होता है सेमी थिक लिक्विड जो होता है, काफी टाइप का होता है, मतलब इसके मतलब काफी मैट्रिक्स के बेसिस पर जो हमारे कार्टिलेज होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। अब उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहला आता है यहाँ पर हेयरलाइन कार्टिलेज, हाईलाइन लाइक अ ग्लास लाइन। हाईलाइन का मतलब क्या होता है? ग्लास लाइन। इन दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट। हाईलाइन कार्टिलेज में जो पेरिकॉन्ड्रियम है, यानी कि आपके जो कॉलेजिनियस फाइबर्स हैं, इनकी प्रेजेंस होती है। मैट्रिक्स इज ब्लूइश व्हाइट एंड जेल लाइक। इसमें जो मैट्रिक्स होता है ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है, जेली फॉर्म में होता है। वेरी फाइन कोलेजन फाइबर्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर बहुत ही कम कोलेजन फाइबर्स और कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत ही कम। हेयरलाइन कार्टिलेज इज इलास्टिक एंड कंप्रेसिबल इन नेचर। हेयरलाइन कार्टिलेज टिश्यू बहुत ही इलास्टिक और कंप्रेसिबल होता है नेचर में। इट एक्ट्स एज अ गुड शॉक एब्जॉर्बर एज वेल एज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ही अच्छा शॉक एब्जॉर्बर है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है।
इट इज फाउंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, एपिग्लॉटिस, ट्रेकिया, रिब्स, लैरिंग्स एंड हेयर्ड। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो इसकी मेन पोजीशन है वो आपको याद रखनी है। मेन पोजीशन कभी भी पूछ लेंगे, आपको बोल देंगे कि जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, वो हेयरिंग है। सो लॉन्ग बोन्स होती है उनके एंड्स पर, एपिग्लॉटिस पर, ट्रेकिया यानी कि आपका विंड पाइप, रिबकेज यानी कि रिब्स, लैरिंग्स एंड हेयर्ड, इन सब में हेयरलिन कार्टिलेज की प्रेजेंस होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइबर्स प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। फिर उसके बाद मेच्योर सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्ट। फिर यहाँ पर ये बीच में मैट्रिक्स है। फिर ये आपके कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है, पैकेज की फॉर्म है जिसे हम लोग लैक्यूरे बोलते हैं, एंड दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट। यानी कि कॉन्ड्रोब्लास्ट आपके इमेच्योर होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स आपके मेच्योर सेल्स होते हैं। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ हायलिन कार्टिलेज। सेकेंड टाइप का जो कार्टिलेज आता है वो आपका इलास्टिक कार्टिलेज आता है। इन इलास्टिक कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट। इलास्टिक कार्टिलेज में भी जो पेरिकॉन्ड्रियम फाइबर है यानी कि कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहता है। मैट्रिक्स कंटेन इलास्टिक फाइबर, इसके मैट्रिक्स में इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है। कॉन्ड्रोसाइट्स आर फ्यू इन नंबर, कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं बहुत ही कम नंबरिंग में प्रेजेंट होते हैं। इट गिव्स सपोर्ट एंड मेंटेन शेप ऑफ द बॉडी पार्ट, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी की जो शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इट इज फाउंड इन ईयर लोब, टिप ऑफ नोज एटसेट्रा। हमारे जो ईयर लोब होता है, हमारी नोज की जो टिप होती है, यहाँ पर फाउंड आउट होता है इलास्टिक कार्टिलेज। एज यू कैन सी दीज आर द पेरिकॉन्ड्रियम, यहाँ पर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, दीज आर द लैक्यूने, दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स, और इनके पास प्रेजेंट रहते हैं इलास्टिक फाइबर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। थर्ड टाइप का जो होता है वो होता है फिब्रोकार्टिलेज। द थर्ड टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फिब्रोकार्टिलेज। पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट इन फिब्रोकार्टिलेज। फिब्रोकार्टिलेज टिश्यू में पेरिकॉन्ड्रियम यानी कि जो आपकी फाइबर्स हैं उनकी प्रेजेंस नहीं होती है। मैट्रिक्स कंटेन्स बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड फ्यू कॉन्ड्रोसाइट्स। मैट्रिक्स में यानी कि जो उसका सेमी थिक लिक्विड होता है उसमें कोलेजन फाइबर्स की प्रेजेंट होगी, कुछ कॉन्ड्रोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे जो कि फाइबर्स में पूरे स्कैटर्ड होंगे। फिब्रोकार्टिलेज इज मोस्ट रिजिड कार्टिलेज, सबसे ज्यादा रिजिड कार्टिलेज है। इट मेंटेन्स पोजीशन ऑफ वर्टिब्रे, ये वर्टिब्रे की जो वर्टिब्रे होता है यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी पोजीशन को मेंटेन करता है। इंटर वर्टिब्रेल डिस्क आर मेड अप ऑफ फिब्रोकार्टिलेज, और वर्टी जो हमारी वर्टिब्रे यानी कि स्मॉल आपकी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम्स या डिस्क होती है वो हमारे फिब्रोकार्टिलेज से बनी होती है। इट इज ऑल्सो फाउंडेड प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसके अलावा ये हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी फाउंड आउट होता है। एज यू कैन सी दीज आर द कॉन्ड्रोब्लास्ट, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, ये ल्यूकिना है और इसके पास प्रेजेंट है वाइट फाइबर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कैल्सिफाइड कार्टिलेज। This type of cartilage becomes rigid due to the deposition of salts in the matrix. ये जो हमारा cartilage है, ये थोड़ा सा rigid हो जाता है, becomes rigid because deposition of salts in the matrix. इसके matrix semi-thick liquid में salts का deposition होता है. This reduces flexibility of joints in old age. ये हमारे old age में क्या है, हमारे joints में flexibility थोड़ा सा कम हो जाती है, reduce हो जाती है। जो एडल्ट्स में टीनेज एज में हमारी जितना जो बोन्स फ्लेक्सिबल हो जाती है, इजिली काम करती है, वो चीज ओल्ड एज में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि मैट्रिक्स में सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल हेड ऑफ लॉन्ग बोन्स, यानी कि लॉन्ग बोन्स का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ना, हेड वाला पार्ट, वहां पर इसकी प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट टाइप का जो टिश्यू आता है कार्टिलेज टिश्यू में, वो है आपका बोन। बोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हार्ड मैट्रिक्स कॉल्ड ऑयसिन। बोन के अंदर जो सेमी थिक लिक्विड आप लोग देखते हो उसे हम लोग बोलते हैं ऑयसिन, बहुत ही हार्ड होता है। ऑयसिन इज मेड अप ऑफ मिनरल सॉल्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ऑयसिन ये जो मैट्रिक्स है ये एक मिनरल सॉल्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है जिसका फॉर्मूला है Ca10PO46OH का होल ट्वाइस। आउटर टफ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिओस्टियम इनक्लोजेस द मैट्रिक्स। ये जो ऑयसन है यानी कि जो पूरा ये थिक लिक्विड होता है
एक पूरे अंदर की साइड प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरियोस्टियम। ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स पियर्स थ्रू पेरियोस्टियम, और इसके अंदर ब्लड वेजल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं इस पेरियल मेम्ब्रेन के अंदर। मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स कॉल्ड लैमेला, और ये मैट्रिक्स जो प्रेजेंट होता है अंदर की साइड, ये मेम्ब्रेन है पेरियोस्टियम, इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, लेकिन जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है वो कंसेंट्रिक लेयर्स की, एक सेकेंड थोड़ा सा मेरे को चेंज करना है यहाँ पे, ये कंसेंट्रिक लेयर्स की प्रेजेंस में होता है इस तरीके से, कंसेंट्रिक लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैमेला, एंड ईच लैमेला कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड कैविटीज कॉल्ड लैक्यूले। और ये जो लैमेला बन रहा है ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, इसके अंदर कैविटीज की फिलिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्यूले, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है दैट इज लैक्यूले। फाइन कैनाल्स दैट रेडिएट फ्रॉम ईच लैक्यूला आर कॉल्ड कैनालिक्यूली। अब यहाँ पे ना इसको हम लोग एक एग्जाम डायग्राम से समझते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट समरी पढ़ेंगे एंड फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की प्रेजेंस में ये मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ये आपको पेरियोस्टियम लेयर दिखाई दे रही है, मेम्ब्रेन जिसके अंदर मैट्रिक्स की प्रेजेंस है, राइट। यहाँ पे ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, फाइन कैनाल्स, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से कुछ कैनाल्स, कैनाल्स का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल के आता है इस तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनली क्यूली। कैनली क्यूली ऑफ एडजेसेंट लैमेला कनेक्ट विद ईच अदर एज दे ट्रेवर्स थ्रू द मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या होता है, जो कैनली क्यूली होती है लैमेला में, जो लैमेला है पूरा, जो पूरी आपकी कैविटी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है पूरे मैट्रिक्स में। इन द लैक्यूले ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव बोन सेल्स एंड ऑस्टियोसाइट्स द इनएक्टिव बोन सेल्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोलास्ट आर प्रेजेंट। और इस पूरे लैक्यूले में ऑस्टियोब्लास्ट जो कि एक्टिव बोन सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स जो कि इनएक्टिव बोन सेल्स और ऑस्टियोलाइट्स बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैमिलियन बोन शोज पेक्यूलर हाइब्रिडेशन सिस्टम, मैमल्स में पेक्यूलर हाइब्रिडेशन सिस्टम शो होता है। हाइब्रिडेशन कैनाल इनक्लोजेस एन आर्टरी वेन एंड नर्व्स, और इसी पूरे हाइब्रिडेशन कैनाल में हमारी आर्टरीज वेन्स और नर्व्स अंदर इनक्लोज होती है। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मैट्रिक्स के बेसिस पर यानी कि सेमी थिक लिक्विड के बेसिस पर हमारी बोन्स में दो टाइप, जो हमारे बोन्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं ह्यूमन बॉडी में। इन स्पॉन्जी बोन्स, एक होती है हमारी स्पॉन्जी बोन्स, दूसरी होती है कॉम्पैक्ट बोन्स। स्पॉन्जी बोन्स में हाइब्रिडेशन सिस्टम हमारा एब्सेंट होता है। रेटिकुलर मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रैबिक्यूले एंड इट कंटेन्स रेड बोन मैरो। यही हम कॉम्पैक्ट बोन्स की बात करें तो कॉम्पैक्ट बोन्स में हमारा हाइब्रिडेशन सिस्टम होता है विदाउट एनी स्पेस बिटवीन लैमेला, इसमें कोई भी स्पेस की प्रेजेंस नहीं होती है लैमेला के बीच में। अब हम इसका ना डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये हमारी पूरी मैम्ब्रेन प्रेजेंट है पेरिओस्टियम, यहाँ पर ये कंसेंट्रिक लेयर्स में हम लोगों के जो पूरे बोन का जो फ्लूइड है वो फिल्ड है। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऑस्टियन भी कहते हैं एज यू नो। फिर यहाँ पर बहुत इसको डिटेल में दिखा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये हमारी आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज निकली हुई है। यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ट्यूब पूरी कैनाल बन रही है, इसको हम बोलते हैं कैनालिक्यूली। इसके बीच में यहाँ पर ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसको हम लोग लैमेला बोलते हैं। ये सेंट्रल कैनाल है, इसके आसपास और भी कैनाल्स प्रेजेंट है, ये आर्टरीज और वेन्स वगैरह है, ये ऑस्टियोसाइट है पूरा यानी कि सेल्स, ऑस्टियोसाइट सेल। अब यहाँ पर इसको और डिटेल में दिखाया गया है, यहाँ पर ये बीच में लैक्यूले प्रेजेंट रहता है, फिर यहाँ से क्या है बहुत सारी जो कैनाल्स है राइट, जो उसके पूरे से अटैच रहती है जैसे हम लोग बोलते हैं कैनाली क्यूली। यहाँ पे ये सेंट्रल कैनाल है, यहाँ पे ये ट्रबुक्युले है, ट्रबुक्युले यानी कि थोड़ा सा जो स्पेस रह जाता है। स्पॉन्जी बोन्स, भाई स्पॉन्जी का मतलब है जो चीज पिचक जाए राइट,
स्पॉन्जी जो प्रेस हो जाए, तो जहां पर स्पेस होगा वही चीज तो थोड़ा सा स्पॉन्जी होगी, थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो बेस वाला पार्ट होता है जहाँ पर थोड़ी सी स्पेस खाली रहता है, इसी को बोलते हैं ट्रैबिक्यूली और स्पॉन्जी। और यहाँ पर इसकी बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी वेन्स आर्टरीज एंड कैपिलरीज वो अटैच रहती है। परफोरेटिंग फाइबर्स यानी पूरे ब्लड वेसल्स के पास जो परफोरेटिंग फाइबर्स है उनकी प्रेजेंस रहती है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे कितने अलग अलग तरीके से जो हम लोग की प्रेजेंस है वो यहाँ बोन में होती है। क्लियर स्टूडेंट? मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आपका जो कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट था, यहाँ पर जो आपका कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट है वो फिनिश होता है। उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यूज है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ मस्कुलर टिश्यूज के बारे में आप लोगों को। कनेक्टिव टिश्यूज आपका फिनिश हो गया है, नेक्स्ट आपका मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का आप लोगों को थोड़ा सा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में मस्कुलर टिश्यूज होते क्या है। मस्कुलर जो वर्ड आया है वो आपका मसल से आया है, हमारी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। इसी मसल से जो हम लोगों के मसल्स होती हैं, दीज आर द सेल्स, मसल्स आर द सेल्स जो मिलके हमारे मस्कुलर टिश्यूज की फॉर्मेशन करती हैं। मसल्स क्या है? हमारे ऑल ओवर बॉडी में मसल्स प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है। जैसे मैं अपने हैंड्स को मूव कर रही हूँ, ये मेरे मसल्स वर्क कर रही है। मैं बोल रही हूँ तो मेरे ये चीक्स में जो मसल्स हैं वो अपना वर्क कर रही है। सेम एज इट इज मेरी आईज, मतलब थोड़ा सा राउंड इस तरीके से घूम रही है तो मेरी आईज में मसल्स प्रेजेंट है, जिसे हम लोग सलाइली मसल्स कहते हैं। सेम एज इट इज मैं मूवमेंट करूंगी, मैं चलूंगी, मैं वॉक करूंगी, रनिंग है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सब में क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मस्कुलर टिश्यूज हैं ये हमारे मसल सेल से मिलके बने होते हैं। अब ये जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज हैं पोजीशन के और फंक्शन के बेसिस पर ये भी हमारे 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो अपने आप हो रहे हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अब लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद डाइजेशन अपने आप होता है, यानी कि जो स्टोमक वॉल्स है उसमें स्टोमक मसल्स है अपने आप वर्क कर रही है, उसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहीं पर हम लोग हार्ट की बात करें, लंग्स की बात करें, लिवर की बात करें, राइट, किडनी के मसल्स की बात करें, तो ये सब अपने आप वर्क कर रही हैं। कैसी हैं ये हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन कुछ ऐसी मसल्स होती हैं, ऐसे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं। मैं अपने हैंड्स को मूव कर रही हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरी विश के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो इसको ये क्या है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये मैं कंट्रोल कर रही हूँ। तो फंक्शन के बेसिस पर जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे स्ट्रेटिफाइड, दूसरे होते हैं नॉन स्ट्रेटिफाइड, थर्ड होते हैं आपके कार्डिक। लेकिन उसको हम लोग अपने नेक्स्ट जो हम लोगों का वीडियो है उससे स्टार्ट करेंगे, एक एक करके ही करेंगे, एक साथ हमें नहीं करना है कि बिल्कुल ही खत्म कर दें, वो चीज हमें नहीं करनी है। तो अभी तक आप लोगों ने 2 टाइप के जो टिश्यूज थे, एपिथेलियम वाले और कनेक्टिव वाले, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए पूरी तरीके से। नेक्स्ट हम लोगों के मस्कुलर और नर्वस बचे हुए, उनको भी जल्द हम लोग कोशिश करेंगे खत्म करने की। यहाँ तक के लिए अपना रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और टाइम टू टाइम अपना प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।